Hey guys, आज हम आए हैं एशिया के सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल में, जहां हमें देखने मिलेंगी ढेरों वैरायटीज ऑफ पेंटिंग्स, लॉट्स ऑफ आर्ट। यहां आप देखेंगे ऐसे ऐसे नायाब क्रिएशंस कि आप देख सकते हैं ये जूते, बहुत ही अनोखा कलेक्शन है ये, बिल्कुल हैंडमेड और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको मिलेंगे यहाँ पर सारे कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शूज। ज्वेलरी में तो अमेजिंग हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरीज जो आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी, ऐसी नायाब और अनोखी कलेक्शन जो है हैंड क्राफ्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड से अमेजिंग कलेक्शन आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्दन ज्वेलरीज जो है बिल्कुल हैंड क्राफ्टेड और बहुत ही अफोर्डेबल रेंजेस में। और हम देखेंगे साड़ी का ऐसा नायाब कलेक्शन जो कि है कलरफुल, अफोर्डेबल, हैंडमेड, हैंडलूम क्रिएटेड, 100% मेड इन इंडिया, ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। इंडिया के हर कोने से आर्टिसंस यहाँ पर आकर अपना आर्ट एग्जिबिट करते हैं बहुत ही होलसेल प्राइजेस में। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए ताकि हमारे इंडिया के आर्टिसंस को और प्रोत्साहन मिले और आपको भी ऐसा अनोखा कलेक्शन देखने का मौका मिले। और हम यहाँ पर देख सकते हैं अमेजिंग होम डेकोर आर्टिकल्स जो कि लोकल लोगों ने बनाए हुए हैं, राइट फ्रॉम अर्दनवेयर टू वुडन क्राफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्चेस, या हम जिसे कहते हैं शंख और शंकिनी, जिसे एनग्रेव किया गया है पिक्चर्स से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुबनी आर्ट, हर पॉटरी पर आपको यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। और लोकल फूड जो कि यहाँ के लोकल होटल्स ने अपने होटल के बाहर लगाया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग फूड देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। तो बिल्कुल हम अपने पूरे दिन के लिए सेट हैं, हम एंजॉय करेंगे आज ढेर सारी शॉपिंग और फूड। तो चलिए चलते हैं हमारी काला घोड़ा की इन गलियों में और हम आज का पूरा दिन यहाँ पर बिताएंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। चाट के साथ साथ हमें देखने मिलेंगी यहाँ पर बहुत सारी लोकल क्विजींस, पूरी नॉर्थ इंडियन थाली भी यहाँ पर हमने देखी है, साउथ इंडियन थाली भी हमको यहाँ पर अवेलेबल है, गुजराती, उंधिया, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला। और यहाँ पर कैफेज भी हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड सर्व करते हैं। हेलो गाइस, आज हम आए हैं काला घोड़ा और हम देखेंगे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। आए हैं एशिया के सबसे बड़े स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में, थीम है उड़ान और आज हमको देखने मिलेंगे बहुत सारे स्टॉल्स जिसमें आप करते हैं बहुत सारी शॉपिंग। जैसे आपको मिलेंगे क्लोथ्स, हैंडबैग्स, पर्सेस, शूज, एक्सेसरीज, होम एक्सेसरीज, ज्वेलरीज एंड मच मोर। चलिए बढ़ते हैं हमारे स्टॉल्स की तरफ। ये है ओडिशा का पट चित्रकथा स्टॉल।
ये है फर्ड पेंटिंग्स का स्टॉल, जो कि है बहुत ही अमेजिंग। फर्ड पेंटिंग्स मेजरली होती है नंदी इंस्पायर्ड, नंदी की बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी, और साथ साथ लोटस और कृष्णा जी के बहुत ही वेरिएशंस आपको इसमें देखने मिलेंगे। यहाँ पर कैनवस नाम का एक शू स्टॉल था, जिन्होंने हैंडमेड और बहुत ही अनोखे डिज़ाइंस बनाए हैं शूज़ के, जो बहुत ही इम्प्रेसिव थे और पहनने के बाद तो एकदम ही अमेजिंग और पिक्चरस्क लग रहे थे। आप ज़रूर आकर यहाँ विज़िट कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल रेंजेस में आपको ये वुडन खटोलास मिलेंगे यहाँ पर। ये हैं हैंड क्राफ्टेड सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरीज, यहाँ पर प्राइस रेंज स्टार्टिंग है 2,000 to 10,000। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अनोखे डिज़ाइंस मैंने देखे, और दिखने में पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। And then we have our crafting of silver, the gold plating, the same pieces of gold and gold foil. Pure silver and gold? Yes, that's pure silver and pure gold. Okay. Some are with colored stones, some are with same pieces of stones. यहाँ पर हम देख सकते हैं हिसार से आए हुए कुछ लोकल शू वेंडर्स को, बहुत ही कलरफुल और अमेजिंग कलेक्शन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैम्बू और केन से बने हुए कुछ होम एक्सेसरीज और फर्नीचर। दिल्ली से आए हुए ये लोकल ज्वेलरी वेंडर्स हैं, जिनके पास हमें देखने मिलेंगे अनोखी ज्वेलरीज अनोखे कलर्स के साथ। कुछ देर हमने यहाँ पर विंडो शॉपिंग की, और थोड़ी सी भूख लगने के बाद हम आए हैं यहाँ पर एक चाट कॉर्नर, जो है चेतना फूड्स का एक स्टॉल, जहाँ पर हमने ऑर्डर की है कुछ भेल और आलू चाट। यहाँ पर ये आलू चाट बना रहे हैं। छोटे छोटे फूड स्टॉल से लेकर पूरा लंच मेन्यू भी यहाँ पर अवेलेबल है। आलू चाट के बाद हमने यहाँ पर ऑर्डर की काबुली भेल पूरी। मीठा मत डालना। काम बोल रहे थे मैडम।
And here we are going to try this Kabuli Bhel Puri. Let's take a bite. काफी चटपटी है. मैंने भैया को बोल दिया था तो कि थोड़ा तीखा बना दे. एंड ही हैज नॉट एडेड स्वीट एट ऑल एंड इट इज रियली नाइस. समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर भेल एंड न्यूट्रिशियस टू बिकॉज इसमें अ गुड डिश. यहाँ पर रैम्पर्ट रॉ जान जोस जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी हैं जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं इनका फूड. यहाँ पर आप फ्रेशली बेक्ड पिज़्ज़ा भी एंजॉय कर सकते हैं जो कि था बहुत ही डिलिशियस. और पानी पूरी खाए बगैर तो अपना दिन पूरा ही नहीं होता चाहे वो कहीं भी हो. तो चलिए ट्राई करते हैं पानी पूरी. थोड़ी सी पेट पूजा होने के बाद फिर चलते हैं हमारे स्टॉल्स पर. यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्दन डिशेस जो कि है पेंटेड, हैंड पेंटेड एंड क्राफ्टेड. बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है ये होम डेकोर के लिए. जूट बैग्स. दिस स्टॉल इज़ फ्रॉम असम. महाराष्ट्र से भी एक स्टॉल था जिन्होंने यहाँ पर लगाया है मलमल साड़ीज़ का स्टॉल जो है बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट और प्राइस रेंज भी काफ़ी अफोर्डेबल था. इतने अमेजिंग कलर्स और पहनने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी ये साड़ियाँ. यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव है तो आप बिल्कुल ना हिचके, ये आपकी मदद करेंगे आपको साड़ी सिलेक्ट करने के लिए. और देखते हैं कहीं सारे अनोखे पेंटिंग्स. यहाँ पर हम देख सकते हैं कश्मीरी स्टॉल. स्टार्टिंग में एंटर करते ही मुझे ये पोंच बहुत पसंद आया. यहाँ पर अवेलेबल है लोकल कश्मीरी शॉल्स. कश्मीरी लोग बहुत मेहनत करते हैं और इनकी बेसिक रोज़ी रोटी ही इन कश्मीरी शॉल्स से आती हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए और इनकी मेहनत को यहाँ पर सराहना चाहिए. Here I came across a very unique stall. यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे हैंड ब्लोन ग्लास आर्टिकल्स. चाकमाटी. ये है मिट्टी से बनाई हुई ज्वेलरीज जो कि है बहुत ही कलरफुल. इंडियन वेयर के साथ तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेंगे. यहाँ पर आप आपके ड्रेस के लिए मैचिंग सेट्स भी ले सकते हैं जो दिखेंगे बहुत ही कूल. हियर वी केम अक्रॉस सूता का स्टॉल. सूता के बहुत सारी आउटलेट्स हैं मुंबई में. यहाँ पर आपको उसी का कलेक्शन देखने मिलेगा. बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन रहता है सूता ब्रांड का. टोटली 100% कॉटन हैंडमेड रहते हैं इनकी सारी वैरायटीज. सिल्क भी आपको देखने मिलेगा यहाँ पर. इनकी प्रिंट्स और कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे. सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ.
यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली से आया हुआ ब्रास का स्टॉल, जिनके पास हैं बहुत ही यूनिक ब्रास आइटम्स। अभी मकर संक्रांति है तो बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है यहाँ पर गिफ्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं ये भी हैंडक्राफ्टेड है टोटली। रेगुलर ब्रास कलेक्शन से थोड़ा सा अलग लगा मुझे ये। यहाँ की बेल्स और कुछ बाउल्स बहुत डिफरेंट और अमेजिंग लग रहे हैं। कम से कम 100 स्टॉल्स एंड 10-15 लेन्स हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हैंडक्राफ्टेड वुडन आइटम्स जो कि किचन में यूज़ होंगे। पूरा दिन घूमेंगे फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम कम है हमारे पास सारे स्टॉल्स को विज़िट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल से आई हुई पेंटर, इन्होंने डिस्प्ले किया है सो मेनी वैरायटीज ऑफ आर्ट। मधुबनी का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी क्रॉकरी थी इनके पास, बहुत ही कलरफुल। यहाँ के एड्रेस की पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। काला घोड़ा फेस्टिवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जनवरी, आज फर्स्ट डे था, और ये है 28 जनवरी तक। आप ज़रूर देखने आएँ। ये है शंख और शंकिनी जिन्हें हैंड काव किया गया है। उत्तर प्रदेश से हमने भी कुछ पॉटरी देखी जो कि थी काफ़ी डिफरेंट और कलरफुल। तो आप पूरी तैयारी के साथ आएं कि आपको यहाँ से क्या क्या खरीदना है, बिल्कुल सब देख लें। और बहुत सालों बाद आई थिंक मेरे बचपन के बाद ही आई केम अक्रॉस दिस शुगर कैंडी मैन। हमने बचपन में 1-1 रुपए में इनसे कैंडी खाई है। आज बहुत दिनों बाद मैंने इसे देखा। आई फॉरगॉट ऑफ इट टोटली। आज जो कि ब्लाइंड बोर्ड में अगर बनाते हैं तो बनाने में दिक्कत होती है, मैं हाथ से बना रहा हूँ खाने वाला। ये स्वीट कैंडी है मास्क मेरे, ये प्रिंसेस बनने जा रही है, बहुत टेस्टी है। इसको बोलते हैं आर्ट। बहुत ही फनी बातें कर रहा था ये पर्सन, बट अगर हमारे लोकल स्ट्रीट वेंडर्स अपना हाइजीन मेंटेन करें तो काफ़ी ये अर्न कर सकते हैं। तो मैं इन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आप हाइजीन पे ध्यान देना शुरू करें। अभी बन रहा है, ये है माउंट कृष्णा खाने का प्रिंसेस राजकुमारी सोने के महल में रहने वाली है। सबकी नजरें थी इस पर काश ही अपनी कीमत समझ पाए और अपने इस आर्ट को उस ऊंचाई तक ले जाए। बहुत ही टेस्टी होती है वैसे ये कैंडीज, पर ये लोग आज इतने नहीं दिखाई देते हैं। आई थिंक द बेसिक वरी इज ओनली अबाउट द हाइजीन। नहीं खाएंगे ना भैया यहीं पर।
नेवी वेलफेयर की औरतों ने भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कॉटन कफ्तान्स जो कि बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कुछ हैंडमेड ईयरिंग्स, ज्वेलरीज। काला घोड़ा फेस्टिवल के हर कॉर्नर पर न्यू कमर्स ने ऐसे ऐसे आर्ट एग्जिबिट किए हैं कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये धागे की रील से यहाँ पर फ्रॉक बनाया है, शर्ट बना हुआ है बटन्स से लेके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर का बना हुआ है ड्रेस। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन था ये देखने में। Look at this car. पूरा दिन फिर घूमने के बाद शाम को हमने यहाँ पर एक लोकल कैफे में खाना खाया। बहुत ही अच्छा खाना था ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशरूम रिजोटो। इस लोकेशन का डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। काला घोड़ा 8 दिन का फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ज़रूर आइए। ढेर सारी शॉपिंग और ढेर सारा फूड एंजॉय कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग जर्नीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।